दोस्तों आजकल के बिजी और खराब लाइफस्टाइल की वजह से शरीर में तरह तरह के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। सही डाइट ना लेने की वजह से बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी होने लगती है, या फिर सही डाइट तो हम लेते हैं लेकिन पाचन शक्ति कमजोर होने की वजह से उस खाने का फायदा पूरी तरह से शरीर को नहीं मिल पाता, जिसे शरीर में कई तरह की प्रॉब्लम आने लगती है। आप एक बात तो जानते ही हो कि सारी बीमारियों का जड़ पेट होता है, चाहे मोटापा हो या फिर शुगर, हाई ब्लड प्रेशर हो या फिर कमजोरी। अगर आप पेट को दुरुस्त रखोगे तो आप हमेशा हेल्दी रहोगे। दोस्तों अगर आपके पेट में अपच, गैस, कब्ज की प्रॉब्लम है, आप अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं, पेट बाहर निकल गया है, कमर और जांघों की चर्बी बढ़ते जा रही है, सीने में जलन होता है, दर्द होता है, लगातार बाल झड़ रहे हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, शरीर में खून की कमी है, कमजोरी, थकान, आलसपन लगा रहता है, चेहरे पे आने वाली झुर्रियों से परेशान है, यानी कि कम एज में ही आप बूढ़े दिखने लगे हैं, अस्थमा से पीड़ित हैं, तो इन सारी समस्याओं का एक इलाज बता रहा हूँ। इसके इस्तेमाल मात्र से आप इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हो। तो वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें घर में जो चीजें हैं उन्हीं चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि अजवाइन, जीरा, सौंफ और फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी की। तो आपको क्या करना है कि इन चारों चीजों को बराबर समान मात्रा में लेना है, इक्वल क्वांटिटी में लेना है। यानी कि आपने 50 ग्राम अजवाइन लिया तो 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम सौंफ लेना है और 50 ग्राम अलसी लेना है। इन सभी चीज़ों को आपको हल्के आंच में भून लेना है तवे पे डालकर, और भूनने के बाद इसे मिक्सी की सहायता से इसका चूर्ण बना लेना है, और इस चूर्ण को आप किसी डब्बे में भरकर रख दीजिए, और इसका इस्तेमाल हमें रोजाना सुबह और दोपहर को करना है। आपको रोज सुबह के नाश्ते के बाद एक कप पानी के साथ इसका एक चम्मच लेना है, और दोपहर के खाना खाने के बाद एक कप पानी के साथ आपको इसका एक चम्मच लेना है, यानी कि दिन में आपको दो चम्मच लेना है। दोस्तों हालांकि इसकी तासीर गर्म है लेकिन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, इसलिए शरीर को ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आप खाना खाने के बाद एक एक चम्मच सुबह और दोपहर को ले सकते हो। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं, शरीर हमेशा गर्म रहता है, तो भी आप इसका सेवन कर सकते हो क्योंकि इसमें अजवाइन और जीरा मिलाया गया है जो पित्त को शांत करता है, ये आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। इसके साथ में आपको स्वाद अनुसार उसमें काला नमक भी मिलाना है। जब भी आप सुबह नाश्ते के बाद एक कप पानी के साथ इस पाउडर को लोगे तो उसमें चुटकी भर काला नमक भी मिला देना है, और दोपहर को भी जब लोगे तो उसमें चुटकी भर काला नमक मिलाना है। तो इसका सेवन आप लगातार एक से डेढ़ महीने तक कीजिए। चलिए अगर आप इस तरह से इस चूर्ण को लेते हैं तो आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे जरा देखते हैं। दोस्तों ये नुस्खा वजन को कम करने में बहुत फायदा करेगा। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, पेट की चर्बी को कम करता है। पेट तब बढ़ता है जब हमारी पाचन शक्ति कमजोर होती है। ये देसी नुस्खा बॉडी के एक्स्ट्रा चर्बी को तेजी से घटाएगा, आपकी पाचन शक्ति को दुरुस्त करेगा। ये वजन को कम करने के साथ साथ शरीर को स्वस्थ और सुडौल बनाने में भी हेल्प करेगा। दोस्तों दिन में हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं या फिर बहुत गैप डालकर खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे लीवर पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में नुस्खा मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग बनाने के साथ साथ लीवर को भी हेल्दी बनाता है। ये नुस्खा दोस्तों आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर कर खाने को अच्छी तरह पचाने में मदद करता है। कई लोगों को खाना खाने के बाद गैस या फिर अपच की प्रॉब्लम रहती है, जिस वजह से उनका पेट फूला फूला रहता है। इस चूर्ण का सेवन करने से पेट का भारीपन, गैस और अपच जैसी समस्या दूर हो जाती है। आप इसका लगातार जरूर सेवन करके देखना। अगर आप इस लॉकडाउन के बाद ऑफिस जाना स्टार्ट करोगे तो ऑफिस भी इसे लेकर जा सकते हो, और दोपहर का खाना खाओ उसके बाद इसका एक चम्मच एक कप गुनगुने पानी के साथ ले लो। इससे आपको कभी भी पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों ये बढ़े हुए पेट को कम करने के साथ साथ आपको अनेकों बीमारियों से बचा कर रखता है। ये बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर फ्यूचर में हार्ट अटैक जैसी जानलेवा बीमारियों से आपको बचा कर रखता है। साथ ही इसके सेवन करने से आपकी मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है, एकाग्रता के स्तर में सुधार लाता है। अगर आप मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो इसका सेवन जरूर कीजिएगा, फायदा मिलेगा। ये नुस्खा शरीर में खून की कमी को भी दूर करता है। दोस्तों अगर आपके शरीर में खून की कमी है, आलस, थकान हमेशा लगा रहता है, तो आप इसे 10 ग्राम गुड़ के साथ लें, और गुड़ भी आपको डार्क कलर वाला इस्तेमाल करना है। आपको हल्के पीले कलर का इस्तेमाल नहीं करना है, आप इस तरह का गुड़ बाजार से ले आइएगा। शरीर में दोस्तों आयरन की कमी एनीमिया का सबसे बड़ा वजह होता है, और इस नुस्खे में आयरन की भरपूर मात्रा है। इस शारीरिक कमजोरी को खत्म कर खून की कमी को पूरा करेगा। चलिए अब अगला फायदा देखते हैं। दोस्तों आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने झड़ते बालों को लेकर परेशान रहते हैं, उनके लिए नुस्खा बहुत ही फायदा करेगा। बाल झड़ने का सबसे बड़ा वजह होता है शरीर में पोषक तत्वों की कमी होना। जबकि हम पूरे दिन
हेल्दी डाइट लेते हैं फिर भी हमें स्किन या फिर बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ये इसलिए होता है कि जो भी हम कुछ खाते हैं उसके पोषक तत्व हमारी बॉडी को नहीं लगते हैं। इसका बड़ा वजह है हमारा पाचन यानी कि डाइजेशन सिस्टम का खराब होना। आप अगर ये चूर्ण लेते हो तो ये आपके पाचन शक्ति को बढ़ाएगा जिससे खाया हुआ खाना अच्छे से बचेगा और उस खाने का पूरा पौष्टिक तत्व आपके शरीर को मिलेगा जिससे आप हमेशा हेल्दी रहोगे। बाल झड़ने का एक वजह स्ट्रेस में रहना भी है, तो स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश कीजिए, ध्यान लगाइए और मेडिटेशन योग कीजिए। इसके साथ इस चूर्ण को खाते रहने से आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। इसके नियमित सेवन से ये चेहरे पर झुर्रियों को आने से रोकता है और चेहरे को हमेशा जवां बनाए रखेगा। दोस्तों इसके अलावा जिनको भी मसल्स पेन की शिकायत हो, ज्वाइंट पेन की शिकायत हो, हाथ पैर बदन में हमेशा दर्द रहता हो तो वो भी इसका सेवन कर सकते हैं, इससे उनको फायदा मिलेगा। चलिए अब कुछ सावधानियों की बात कर लेते हैं। गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना है। इसके अलावा यदि आप खून पतला करने वाली कोई दवाओं का सेवन कर रहे हो तो इस दौरान इस नुस्खे का सेवन ना करें, आपके खून को और ज्यादा पतला कर सकता है। इस नुस्खे का सेवन आपको दिन में सिर्फ दो बार करना है यानी सुबह नाश्ते के बाद और दोपहर के खाना खाने के बाद। इसका सेवन आपको रात को नहीं करना है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका रात को सेवन नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताना और जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना।